आप देख रहे हैं देश खबर 24 और वक्त है खबरों का। अरिबा में होने वाले पंचायतों के त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर आज कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में कलेक्टर इलैया राजा टीवा एसपी नवनीत भसीन ने मीडिया से रूबरू हुए। होने वाले चुनाव को लेकर कलेक्टर इलैया राजा टी ने बताया है कि राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा 4 दिसंबर को पंचायत के आम निर्वाचन की घोषणा कर दी गई है। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव के लिए 9 दिसंबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। बताया गया कि जिले में कुल मतदाता 15,54,809 है, जिसके लिए जिले में कुल 2,607 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव 3 चरणों में होना है, जिसमें प्रथम चरण में विकासखंड हनुमना, मऊगंज एवं नईगढ़ी के कुल 256 ग्राम पंचायतों के सरपंच और पंच पद एवं जनपद के 75 वार्डों के जिला पंचायतों के 9 वार्डों के लिए चुनाव होंगे। इस दौरान एसपी नवनीत भसीन ने कहा कि संवेदनशील एवं अति संवेदनशील मतदान केंद्रों में पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है। उन्होंने आम जनता से अनुरोध किया है कि बिना वजह सोशल मीडिया में अफवाहें न फैलाएं, इससे कानून व्यवस्था पर काफी असर पड़ सकता है। तो आइए सुनते हैं चुनाव के संबंध में क्या कहा कलेक्टर और एसपी ने। दादा उसका कई बार, अब दूसरा एक बात और है ना, सोशल मीडिया पे एक बार कोई चीज चल गई तो चलती रहती है, फिर उसको कोई भी अनावश्यक एनर्जी वेस्ट होती है उसको काउंटर करने में। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, एक जो चीज अपने जिले के लिए मतलब पॉजिटिव नहीं मानी जा रही यहाँ से लेके सब जगह तक, वो है वीडियो बनाना, वायरल करना। अरे भाई, कोई व्यक्ति अगर पिट रहा है, दो व्यक्ति उसको मार रहे हैं, तो हम भी तो नागरिक है भाई, हम कम से कम 100 मैं कह रहा हूँ बीच मत जाओ कि आपको लगता है हम पे हमला हो जाएगा, तो आप कम से कम 100 नंबर लगा दें, थाने को फोन लगा दें, मुझे फोन लगा दें, जिससे एटलीस्ट उसमें बचाव तो हो जाए। पता पड़ा अपन वीडियो बनाते रहेगा उसका सामने जान चली गई, तो फिर क्या बाद में हम भी पछताएंगे ना, हमको भी तो बुलानी होगी कि हमने किया क्या, कि वीडियो बनाते रहेगा कि उनको एविडेंस किस काम का, जान बच सकती थी। तो ये हल्का सा प्रवृत्ति को अंकुश लगाने में आप सबका सहयोग बहुत अपेक्षित है, क्योंकि क्या है कि उससे पॉजिटिव चीज तो जाती नहीं है, कहीं भी जाएगी तो वीडियो भाई अगर सूचना मिल गई तो पुलिस कार्रवाई कर लेगी, और वीडियो एविडेंस के लिए बना लिया तो अपने पास रख लें, सब जगह प्रसारित करने में तो जिले की कोई तारीफ तो होनी नहीं है, कि जिले में किसी के साथ ये घटना हो रही है तो तारीफ हो, इसलिए उसमें थोड़ा सा अंकुश लगाने की आवश्यकता है। ऐसे ग्रुप एडमिन तो आप स्पेशल उसमें लिखी दें कि कृपया करके इसमें जब तक की तस्दीक ना हो जाए तो वीडियो फॉरवर्ड ना करें, और वीडियो बनाने के दौरान आपने क्या किया, आपने क्या किया, ये भी तो आपकी ड्यूटी है। मैंने दूसरा भी है, मैंने पर्सनली तो लोगों को बता दिया, ऐसे किसी भी फोटो ने डाला है ग्रुप में, ऐसे कोई फोटोज है ना भी नहीं डालना है, कि मतलब है ना जनरली वो वल्गर है या फिर है ना, या फिर ऐसे फोटोज हैं कि मतलब है ना माइंड को डिस्टर्ब करेगा, ठीक है, दैट इज है ना अवॉइडेबल, ठीक है। बट मैंने तो बीच में किसी ने डाला भी है, फिर उन्होंने डिलीट भी कर दिया, बट मैं पर्सनली इन्फॉर्म करता हूँ, मुझे कभी भी लगता कि ये डिस्टर्बिंग ना वीडियोज हैं, डिस्टर्बिंग है ना चीज़ें हैं, वो हम लोग थोड़ा सा एक्साइटमेंट के साथ है ना मतलब तत्काल है ना उसको डाल देते हैं, बट वो उसको फिर हमको ना कैसे फेयर करना है या फिर ना शेकन करना है, बिकॉज वो दैट इज कॉल्ड वो रिस्पॉन्सिबल मीडिया का ना काम ही है, कि मतलब कोई भी जर्नलिस्ट कर सकें, मतलब जैसे कोई क्लॉथ्स नहीं है हमको ना मतलब उनका ऐसे नहीं दिखाना चाहिए, जैसे रिवील नहीं करना चाहिए बहुत सारे चीज़ों को, उसका भी है ना फिर मीडिया। बट अदरवाइज आप लोग तो बहुत ज़्यादा समझदार, हम लोग तो अभी बाहर से आए हैं, बट यहाँ ना मतलब है ना शिकायत का भी ना इंटेंशन के साथ, मतलब यार कौन सी इंटेंशन के साथ है ना किया जा रहा है वो हम लोग देख रहे हैं, प्लीज हम लोग बैलेंस करने के लिए काफ़ी कोशिश करते हैं, कि मतलब है ना समझे पहले और उसके पीछे क्या रीज़न है, क्यों आया है, कैसे आया है। बट ऑब्वियसली जब कोई पॉजिटिव काम करना चाहेंगे, कि मतलब हम नेगेटिविटी में ज़्यादा है ना उलझे रहेंगे, तो आपको सकारात्मक दिशा में काम करने में बहुत एनर्जी है ना, निष्पक्षता और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होने के लिए नशे की प्रवृत्ति जो है, नशा एक बहुत बड़ा कारण है, और वो चुनाव में उसका इस्तेमाल करते हैं, मैं इसके हिसाब से प्रश्न कर रहा हूँ, इसके रोकने के लिए क्या करें? उसके लिए आप लोग है ना एक हेल्पलाइन नंबर जो पुलिस का है, ठीक है ना, वो आप लोगों के पास लगभग सभी मीडिया बंदुओं के पास होगा ही, उसका प्रचार प्रसार करने में हमारा सहयोग करें, उसका हमारा फायदा क्या होगा, सेंट्रलाइज हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन आना शुरू हो जाएगी, आपके माध्यम से नंबर सभी जगह तक पहुँचेगा, गाँव गाँव तक, तो जिस भी गांव में कोरेक्स गांजा शराब ऐसी कोई भी समस्या होगी तो वो हमको उसके माध्यम से मिल जाएगी,
हम उसको पहले थाना प्रभारी को भेज के उस पर कार्रवाई करवाएंगे, वो नहीं करते तो संबंध एसडीपी को भेज के उसकी रिपोर्ट लेंगे ये कार्रवाई क्यों नहीं हुई दो दिन के अंदर। तो उसका फायदा ये होगा कि डाटाबेस हमारे पास पूरा बनना शुरू हो जाएगा, प्लस सेकेंड हमको मैकिंग समझ में जाएगी। जरूरी नहीं हर क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में होता है शराब का हो, किस क्षेत्र में गांजे का हो, कहीं कोरेक्स का हो, तो एक मैपिंग भी जिले की तैयार होना शुरू हो जाएगी। और नो डाउट उसका कंट्रोल जितना रहेगा उतना ही हमारे इलेक्शन में हमें किसी प्रकार की हिंसा की संभावना नहीं होगी, झगड़े कम होंगे और निष्पक्षता बनी रहेगी। उसको देखते हुए मुझे लगता है अच्छा अवसर है ये, हम लोग एक बार सब मिलके एक बड़ा उसके ऊपर चोट जो भी नशे के कारोबारियों पर करने में सक्षम हो सकते हैं एक टीम वर्क ग्रुप में काम करते हुए। तो आपका सहयोग इतना अपेक्षित है कि स्वयं भी आपके जो भी संपर्क सूत्र रहते हैं उनसे भी जानकारी मिले, एक तो पूरे हेल्पलाइन फॉरवर्ड करते हैं, दूसरा हमारा नंबर आप सबके पास में है और हम सुरक्षा में दोनों ही प्रयास करते हैं कि हम लोग व्हाट्सएप पे आपको रिस्पॉन्ड कर दें, किसी को इन पर्सन आके ऑफिस आए मिले उसकी आवश्यकता ना पड़े, फोन कॉल करके हमको बात समझाए उसकी आवश्यकता ना पड़े। हमारा टारगेट रहता है कि आप अपनी बात थोड़ी डिटेल में लिख दें और नीचे आपका नाम नंबर हमको नहीं चाहिए, क्योंकि हम नहीं चाहते वो नाम नंबर आपका अनावश्यक वहाँ तक हम भेजें। हमें तो केवल प्लेस प्रोसेस क्लियर हो जाए, जगह क्लियर हो जाए, टाइमिंग क्लियर हो जाए और जो इनपुट आपके पास में वो शेयर हो जाए, उसके दम पे हम कार्रवाई कर लेते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा जब शुरुआत की थी पुलिस हेल्पलाइन की तो पांचवें दिन ही उसमें जो ब्राइपर कर चुके हैं 4000 टैबलेट पकड़ लिए हमने, तो ये सब उसके अच्छे आउटपुट आना शुरू हो गए हैं। हल्का सा टाइम लगता है चीज़ों से करने में, तो उसमें आप लोगों का सहयोग बहुत अधिक महत्वपूर्ण रहेगा, शिकायतों का बहुत बड़ा पोर्शन भी कवर हो जाएगा हमारा इसमें।